बड़ा सवाल यह है कि यह चीन की चाल है या फिर वास्तव में चीन का रुख नरम पड़ गया है। इस बीच आर्मी चीफ ले पहुंचने वाले हैं, देखिए एलएसी का ताजा हाल। सन्नाटे को चीरते हुए हिंदुस्तान के वायुवीर आसमान से हुंकार भर रहे हैं। ये चीन को साफ साफ संदेश है कि वो अपनी हिमाकत से बाज आए, नहीं तो गलवान में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब कोई गुस्ताखी की तो पूरी फिल्म दिखा देंगे। ऐसा सबक मिलेगा कि ताउम्र याद रहेगा। आसमान से लेकर जमीन तक पर भारत की निगहबानी लगातार कायम है। भारत ने कहीं पर कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। आसमानी आंखें भी लगातार लगी हुई हैं, वहां पर भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और जहां तक सरहद का सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, वहां पर हमारे सैनिक लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं। जितने चीनी सैनिक उसके सामने उतने भारतीय सैनिक लगे हुए हैं, खासकर गलवान घाटी जहां पर तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि लगातार बातचीत वहां पर भी चल रही है और पेंगोंग सो जहां पर एक नया बिल्डअप भी देखा जा रहा है। गलवान में विश्वासघात पर हिंदुस्तान के शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया कि वो बातचीत के लिए गिड़गिड़ाहट पर उतर आया। हालांकि बातचीत की मेज पर आते ही चीनी सेना के आग्रह पर मॉल्डो में कल करीब 11 घंटे तक हुई सैन्य कमांडरों की बैठक को लेकर सूत्रों का कहना है कि बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। बातचीत में परस्पर सहमति बनी कि तनाव को कम किया जाए, पूर्वी लद्दाख इलाके के तनाव वाले तमाम इलाकों से टकराव कैसे खत्म किया जाए, इसके तरीकों पर भी बात हुई। हालांकि भारत ने बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि एलएसी पर चीन पहले की स्थिति बहाल करे, यानी चीन की सेना 5 मई से पहले वाली स्थिति पर लौट जाए। यही नहीं, चीन एलएसी के पास बनाए सभी निर्माणों को खत्म करे। बताया जाता है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मसला सुलझाने पर राजी हुए। ऐसी अटकलें थी कि आज फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ सकता है, लेकिन सूत्रों ने अब साफ कर दिया है कि आज कोई बातचीत नहीं होगी। बहुत जरूरी है ये समझना कि नतीजे के हिसाब से हर एक बातचीत को नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से की जा रही हैं। चीन पहले हामी भर देता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। चीन ने कह दिया था कि वो पीछे हटने को तैयार है गलवान घाटी में, जिसे लेकर वो गतिरोध शुरू हुआ था और हिंसात्मक टकराव में हमें नजर आया था। अभी भारत एक बार फिर कह रहा है कि आप जो पहले की स्थिति थी उस पर वापस चले जाइए, बिल्कुल भी अतिक्रमण की कोशिश न कीजिए। एलएसी के आसपास जो विवादे, जो परसेप्शन के हिसाब से भी विवाद जहां पर है, वहां पर न रहिए। इस तरह की बातचीत लगातार चीन से चल रही है। देखना है कि चीन हां तो करता है लेकिन अमल कब करता है। ऐसे में भारत के थल सेना अध्यक्ष का लद्दाख दौरा भी बहुत अहम हो जाता है। मौजूदा माहौल को देखते हुए आर्मी चीफ एमएन नरवणे का दौरा बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और ले स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट आर्मी चीफ को सबसे पहले हालात की जानकारी देंगे। इसके बाद तीनों अस्पताल जाकर उन जवानों से मुलाकात करेंगे जो गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में जख्मी हुए थे। आर्मी चीफ यहाँ लद्दाख के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ आज लेह में ही रहेंगे, कल वो तनाव के किसी और मोर्चे पर जाएंगे, लेकिन इसके बारे में फिलहाल आखिरी फैसला नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।